मुझसे प्यार किया तो मत सोच कि क्या सोचेगा ये समाज और फौजी पेटी बनाएगा सबकी, क्योंकि M4 मिली है फिर से आज। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज के इस गेम प्ले में मेरे साथ एक रैंडम बंदा खेल रहा है जो कि भैया मेरा बहुत कर्रा फैन होता है यार। साथ ही इस गेम प्ले में मेरे साथ इतने सारे गलत सीन होने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप बोलोगे बाका में यार फौजी भाई की किस्मत घोड़े के पांचवे पैर से लिखी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल जरा मेरे रैंडम टीममेट की बातें सुनो। नाम तो अलग अलग लग रहा है, क्या बात है? फौजी भाई अरे दो फौजी यार, कौन से फौजी भाई है यार? अरे भाई हम लोग फौजी सीजे के फैन हैं, असली वाले नहीं है। माँ की फैन है मतलब मेरे जैसे? हाँ हम लोग उनके बहुत बड़े फैन है फौजी सर के, उनसे कहीं मिलना तो हुआ नहीं तो सोच लिया कि नाम ही रखे। मैंने तो एक सूट भी देखा तो मुझे लगा आगे भाई फौजी भाई क्या दिन बन गया मेरा तो। अरे भाई वो कहाँ, हम नूबड़ों के साथ खेलेंगे यार। नहीं तो यार मैं तो साला एक तो नूब बंदा, कहाँ से मेरे में फौजी भाई आ गए सोच रहा। सही समझे, लूप की लॉबी में नूब ही आते हैं, सही समझे आप। चलो गेम पे फोकस करो सारे। अगला भाई 40 बंदे बैठ गए। चलो तो जिस करते हैं। नाइस। किलो। बीजा पाजी बीजा। अबे हाँ उतारते ही मैं 3 बंदों को निपटा के किल की बहुनी करता हूँ, पर इनका लास्ट बंदा भी होता है जिसकी फुर्स टैप हमें लैब से आ रही थी, तो मैं फटाक से पट्टी लगाता हूँ और देखो अब आगे। अबे तो फौजी भाई की आवाज लग रही है यार। शुक्रिया शुक्रिया। अबे ये कहाँ टीपीपी ले रहा था साला यार? फौजी भाई रियल वाले, माँ कसम यार मजा आ गया यार। इतनी खुशी। फौजी भाई नेपाल से हूँ भाई, नेपाल से। ब्रो ब्रो नेपाल से हूँ फौजी भाई, नेपाल से हूँ। बहुत अब यहाँ पे ये छोटू उसको डांटने लगा था तो मैंने उसको गुस्से में बोला कि भाई तू उसको डांट क्यों रहा है, फैन की इज्जत करना सीख। और उस चक्कर में भैया इस बंदे ने समझ लिया कि मैं असली वाला फौजी हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। लव यू ब्रो, लव यू बिग फैन फौजी भाई, बिग फैन। अरे मैं वो नहीं हूँ मेरे भाई। जानते हो, जान गया आप वही है। तो यार ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं नकली हूँ, तो फिर मैंने भी बोला कि यार अब क्या ही छुपाऊं इससे। बस फौजी भाई गेम प्ले डालना, मैं छुप के बैठता हूँ इधर। बंदा ठीक है इसके अंदर? बंदे फौजी भाई, भगवान गेम बन जाए, महादेव गेम प्ले बन जाए। पीछे गया, फूट आया। वाओ अब इन दोनों की भी मैंने पेटी बना दी थी और उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं बचा था, लेकिन जैसे ही मैं पट्टी लगाता हूँ उतने ही में 2 बंदे हमारे ऊपर लैंड करते हैं। बताया पर ऊपर बंदा गिरा। दो है। अरे नंबर 4 कुछ मत करो, नंबर 4। ठीक है भाई ठीक है। नेट फैक्ट डू जस्ट हिट इट, डू जस्ट हिट। अब ऊपर वाले के ऊपर मैंने मौली फेंका तो मुझे पता था कि भैया हो ना हो उसके पोंद लाल जरूर हुए होंगे, इसलिए मैं चढ़ता हूँ और फिर भाई मैं यहाँ बैठा हूँ यार पहुंच भैया। तुम्हें भाई कांडी लगता हूँ बेटा। Awesome. अब जैसे ही मैंने इसकी पेटी बनाई उतने में 2-3 बंदे हमारे ऊपर रस कर देते हैं और देखो अब आगे क्या होगा। अरे अरे पेड़ पे फौजी भाई, पेड़ पे इधर।
बच गया करो पीछे पीछे वाले को मारता है Nice. भाई खेलने का आज सक्सेसफुल दिन हुआ दो बोर्ड दादा आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं तो मैं उनकी लड़ाई को सुलटाने आता हूँ और फिर फौजी भाई ग्रोजा वाला एक शायरी बोल दीजिए फौजी भाई अच्छा ग्रोजा वाली सुनू माँ बाप के सामने हम अपनी चलाए इतना हम में दम नहीं और ग्रोजा मिलने के बाद फौजी असबस थामा से कम नहीं फौजी तुझे गेमिंग से मिलने के लिए BGMI में खेलना शुरू किया फौजी भाई मैं नेपाल का हूँ फौजी भाई अब यहाँ पे हम लोग वार्तालाप कर ही रहे होते हैं उत्ते ही में एक बंदा कटीले लठ के ऊपर कूदता है और एक बंदा राइट में भी कूदा था मैं बैठा था यस पड़ा उसे अरे बम फोड़ो ना बम 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 अब उसको एक बॉडी और एक हेड पड़ा था तो मैं समझ गया था कि वो बन ही HP होगा इसलिए मैं आगे जाके एक जलती बोतल में आग फेंकता हूँ कोई बात नहीं ब्रो चलता अरे आप बोट अरे यार ये यहाँ पे बैठा मैं फोड़ अरे फोड़ गया ओके फौजी भाई नाइस नाइस ब्रदर अब ऊपर वाले बंदे को छोटे फौजी ने नॉक कर दिया लेकिन इसके अलावा भी अभी दो बंदे और हैं बंदा आया अरे ऊपर एक और बंदा आया नाइस लास्ट बचाओ चलो चलो तो चाचा की पेटी तो बना दी लेकिन इसका लास्ट टीममेट अभी भी बचा पड़ा है जो कि भैया भाग रहा था कोई मार रहा था मच्छर हाँ पीछे ही नहीं मारूंगा भाई मत चिंता करो मैं फौजी भाई का गेम देखा हूँ क्यों चिंता कर रहे हो आप इधर इधर है बोट इधर बंदा है किल हो गए 17 का खतरा किल होगा 17 पिलने वाली है आज तो 17 आहा क्या है भाई तुम बहुत अभी नए खिलाड़ी हो सारी तो यार तालियां नहीं बजाई यार फौजी भाई कभी रैंडम के साथ आप खेलते नहीं हो और जब मिल जाती है फौजी को ग्रोजा तो आपको पता ही होगा कि भैया मुझे पाप नहीं पड़ता लेकिन यार आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद मेरा ग्रोजा से भी भरोसा उठ जाएगा फिलहाल हम लोग आगे की तरफ जा ही रहे थे तभी मुझे एक ठो बंदा दिखता है घोड़ा है भाई घोड़ा है नंबर 4 भाई है अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या हाँ समझ रहे हैं फौजी भाई के फैन तुम भी लग रहे हो और क्या फौजी भाई गेम प्ले बन रहा है या नहीं बन रहा है भाई बन रहा है चलो अब फौजी भाई गेम प्ले बोलेंगे आज हमें अपना एक फैन मिला था बहुत जोरदार वाला फैन नेपाल से मिला था नेपाल से इंडिया से तो हमेशा मिलते रहते हैं नेपाल से तो ये नेपाली फैन है नेपाली मैं तो जोनाथन से पहले आप लोगों को जानता था बाद में पता चला जोनाथन डायनेमो भी है सच में ए भाई ये तो तगड़ा वाला फैन लग रहा है मेरे को अब जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तभी मुझे सामने एक ठो बंदा दिखता है बैठा है मॉन्स्टर डक में बैठा मॉन्स्टर डक में अरे एक HP ग्लेशियर है ग्लेशियर ग्लेशियर ना तो भाई पे नहीं मार रहा आओ ऊपर चल चल गाड़ी आई नीड अ स्कोप
अब इनका एक बंदा राइट में आ गया था और बाकी बंदे सामने थे, तो मेरे को लगा कि कोई निंजा टेक्निक करके सामने वाले घर से मुझे मार न दे, इसलिए मैं लेट के पट्टी लगाता हूँ। और फिर वॉच आउट भाई, बहुत गंदा मारा नमचारू। अरे नाइस नमचारू पर आ यार भाई। तो इनका तीसरा बंदा भैया पीछे से फ्लैंक करके आता है, और कसम से अगर मैं एक सेकंड और उस घर के ऊपर बैठा होता ना, तो ये बंदा गोली चलाता तब तक पेटी न बन जाती मेरी जब तक। क्या है पीछे? देख आगे वॉल पे मैं कवर दे रहा हूँ। अरे नाइस वन भाई, नाइस वन। तेरी स्क्वाड को तो घुसकर ही मारूंगा, फिर चाहे वो कितनी भी तगड़ी हो। और फौजी असबस थामा से कम नहीं जब उसने हाथ में ग्रोजा पकड़ी हो। Wake up to reality. अरे नाइस वन भाई, नाइस वन। इसे कहते हैं ना गेम प्ले, मेरे पास आ रहा है फौजी भी, खेलो खेलो ऐसे। अबे साले। तो यार फाइनली मैंने सकॉट की भी पेटी बना दी, लेकिन बस दिक्कत ये हो गई कि भैया किल हो गए मेरे 17, और जब जब किल हो जाते हैं मेरे 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा। तो मैंने अपने टीममेटों से बोला चाहे कुछ भी हो जाए 18 किल करवा दो, उसके बाद तुम लोग किल भी चुरा लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और तभी मुझे सामने वो देखो ट्रिपल स्टोरी में एक बंदा खड़ा हुआ दिखता है, तो मैंने बोला वो उस साइड देख रहा है, कोई गोली मैं चलाना, मैं पीछे से मार दूंगा। लेकिन टॉप पे, टॉप पे। अबे मारो। अबे भाई तूने गोली क्यों चलाया, मैं सीधे उसकी पेटी बनाता लेकिन तूने गोली चला दी तो वो सतर्क हो गया, एकदम वॉलंटियर हो गया। ये वाले पार्टी ले लूं? हाँ नाइस आई विल डाल दिस। बैठो बैठो। अब सामने मैंने एक तो बंदे को नॉक किया, तो मैंने बोला चलो अब तो 18 किल हो ही जाएंगे। अरे किल चोरी हो गया यार, अरे किल चोरी हो गया यार। लेकिन उसकी भी कोई किल चुरा लेता है। ऊपर है भाई, ऊपर वालों को मार दिया किसी ने। अबे भाई देख दे। ट्रिपल स्टोरी में यहाँ स्क्वाड हाउस पे नॉक हुआ। चलो अब स्क्वाड हाउस वाले को मैंने जलती बोतल में आग फेंक के नॉक कर दिया, तो मैंने बोला चलो अब तो किल मिल ही जाएगा। पीछे भी बंदा आएगा फौजी भाई, मार दिया मेरे को भाई। लेकिन यार शायद इस बंदे की भी कोई किल चुरा लेता है या फिर वो रिवाइव हो गया था। नीचे बंदा आ गया, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। फाइट करो फाइट करो फौजी भाई, फाइट करो। अरे फक यार, नेट मोली डाल सकता ठीक है, देखते हैं। अबे अबे रिकॉल भी खत्म हो गया क्या? हाँ। तो वैसे तो जब ग्रोजा मिलती है तो मुझे पाप नहीं पड़ता और चिकन डिनर भी अटल होता है, लेकिन अगर ग्रोजा मिलने के बाद भी जब किल हो जाते हैं मेरे 17, तब भैया चाहे कुछ भी हो पर मेरे कंटेंट में हो ही जाता है खतरा। आपने ध्यान दिया होगा तो वो ट्रिपल स्टोरी वाले को डैमेज करके मेरे टीममेट ने 17 से 18 नहीं होने दिया। उसके बाद मैंने इस बंदे को नॉक किया तो फिर मेरी किसी ने किल चुरा ली, यानी कि 17 का खतरा अभी भी नहीं टला। फिर मैंने भैया एक मौली फेंका, सामने एक बंदे को नॉक किया लेकिन उसको भी किसी ने रिवाइव कर दिया, यानी कि 17 का खतरा तब भी नहीं टला। और फिर मेरे टीममेटों के साथ भी खतरा होने लगा, वो सब भी एक एक करके नॉक होने लगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 17 का खतरा इट्स नॉट काल्पनिक ब्रो, इट्स वास्तविक घटना में आधारित।
देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। खैर ये सब तो होता ही रहता है, पर कमेंट में जरूर बताना कि आज का ये गेम प्ले कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।